खरगोन शहर में एक बार फिर चोर गिरोह सक्रिय होने लगा है। बीती रात अज्ञात चोरों ने अति व्यस्ततम मार्ग बस स्टैंड के समीप तेल घी की दुकान को निशाना बनाया है। चोर दुकान के टीन उखाड़कर घुसे थे। सुबह दुकानदार के पहुंचने पर चोरी का खुलासा हुआ। दुकान संचालक हार्दिक महाजन ने बताया कि वह खुला और पैकिंग युक्त घी तेल बेचते हैं। सुबह जब दुकान पहुंचे तो छत पर लगे टीन उखड़े दिखाई दिए। दुकान में बारीकी से देखने पर 6 तेल और 5 घी के 15 लीटर भरती डिब्बे गायब मिले। तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आपका क्या सामान गया? सामान सर हो सकता है 2-4 डब्बे तेल ले गए शायद। अभी गिनती तो नहीं है पर 4 डब्बे तेल, 5-10 किलो धाने नुकसान हुए, 2-1 किलो घी भी शायद, 2-4-5 किलो घी भी कम ज़्यादा हुआ है। कुल मिला के 15,000 रुपये का सामान मिल नहीं रहा है सर। ये कब की घटना है? ये रात की घटना है सर। सुबह हम 8 बजे आए, ये पत्रे देखे थे तो खुले हुए थे। उसे पुलिस को अपन ने इन्फॉर्म करा है, उन्होंने चोर पकड़ा है शंका के आधार पर। एक चोर पकड़ा है सर, वो चोर उगल भी रहा है अभी, 2 साथी चोर के और है सर। जी आप दुकान कब खोली आपने? सुबह 8 बजे, 3 से 4 बजे के दरमियान में ये पत्रे उसके भैया ऊपर सामने। उसके बाद में भैया सुबह हम सब 8 बजे दुकान आए खोली तो पत्रे उसके भी दिखे, तो हमने पुलिस वाले स्टेशन गए, वहाँ पुलिस सर ने संदिग्ध के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया हुआ है और उससे पूछताछ चल रही है सर। इस दरमियान 3 से 4 डब्बे तेल शायद दुकान में कम स्टॉक मिल रहा है अभी हमने देखा, और 5 से 7 किलो घी कम है, 10 से 15 किलो दाने बिखरा के चले गए सर। वो लगभग कितने की चोरी सर? 10 से 12 हज़ार के बीच में नुकसान हुआ है, और अभी सर कुछ सामान का स्टॉक नहीं मिल रहा है सर। क्या पहले भी कई? हाँ, इसके पहले सर 1 हफ्ते पहले भी चोरी हुई थी सर। उस दरमियान सर कम ले गए थे, 1-2 डब्बे तेल ले गए थे। आपके दुकान में हुई थी? हाँ सर, यही दुकान में हुई थी, पर 1-2 हफ्ते पहले ले गए सर। और इस बार सर ज़्यादा वो हो गया सर, इससे पहले सर पीछे दरवाजा खुला हुआ था बस। आपकी दुकान क्या नाम से? सर ये हार्दिक ट्रेडिंग कंपनी घाटी जी। अच्छा, आपका नाम? हार्दिक महाजन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।